okay Chalo. just a sec let me start good morning friends

we are starting off with costing today i'm starting off with a chapter which is let's uh, say most consistent chapter if you look at the weightage of marks since may 2018 the new syllabus has come this is the only chapter which is consistent is, there is no deviation minimum maximum average sub kuch same hai. standard deviation zero 10 mark ko hai chapter aata hai. that is cost sheet अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये दस मार्क का चैप्टर है मतलब क्या है क्या है उसमें फॉर्मेट है लेकिन इफ यू लुक एट द एक्सक्लूडिंग इनिशियल वन और टू एग्जाम्स इंस्टीट्यूट मस्त पैकी बच्चों को परेशान कर रही है तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी स्टार्ट अहेड विद द न्यू चैप्टर टुमारो आई विल लेट यू नो वॉट बी एट स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम

कॉस्ट आर कॉस्ट कैन बी एनाइज फ्रॉम मल्टीपल एंगल जैसे क्लास में स्टूडेंट्स है आई कैन एनालाइज मेल फीमेल गट स्टॉप होस्टलाइट लोकलाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्स कॉलेज वाई कॉलेज जेड कॉलेज तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं अलग अलग एंगल से एनालाइज कर सकता हूं सेम वे कॉस्ट को भी हम अलग अलग एंगल से क्लासीफाई कर सकते हैं लाइक वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सेमी वेरिएबल तो वेरिएबिलिटी के बेसिस पे मैं कॉस्ट को एनालाइज कर सकता हूं कॉस्ट को मैं प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है या पीरियड कॉस्ट है एनालाइज कर सकता हूं अलग अलग एंगल से को हम एनालाइज कर सकते हैं जो शीट का फॉर्मेट है वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कॉस्ट का हम क्लासिफिकेशन कैसे करने वाले फंक्शनल क्लासिफिकेशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब मटेरियल लेबर ओवर एड ये आपका है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या बोला मैंने फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ योर कॉस्ट तो बच्चों अगर मैं बेसिक की बात करूं तो आप कॉस्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में पहले बायफर्केट कर सकते हो अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या बेसिस पे बायफर्केट होता है याद है क्या whether a cost can be linked easily to a cost object cost object is anything for which you want separate measurement of cost cost object can be your product cost object can be your distribution channel cost object can be a geographic region like i want to measure a cost for southern region northern region western region like that so cost object is anything for which separate measurement of cost is डिजायर्ड हमें अलग मेजरमेंट चाहिए कॉस्ट का तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट अब हमें यह क्वेश्चन पूछना है कैन अ कॉस्ट बी लिंक टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट इफ यस वी कॉल इट एज अ डायरेक्ट कॉस्ट इफ नो वी कॉल इट एज इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने यह नहीं बोला कि इंडायरेक्ट कॉस्ट मतलब उसको एक्सक्लूड करो मैंने यह नहीं बोला इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी लिंक्ड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट इजीली But there are methods to link indirect cost based on certain techniques. aapke syllabus mein आपने do techniques sikhe हैं. Number 1 absorption costing, which was over in already chapter, and number 2 activity based costing (ABC). तो indirect cost को हम ignore नहीं करते हैं. हम link करेंगे ultimately. तो cost को मैंने पहले classify किया direct और indirect. अब direct में मुझे क्या करना है फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखना है सो इन फंक्शनल क्लासिफिकेशन आई विल हैव मटेरियल, लेबर एंड व्हाट? अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसिस बोल रहे डायरेक्ट के अंदर ठीक है सुबह सुबह इफेक्ट हो सकता है <laughs> मतलब रिवीजन की जरूरत इतना भी रिवीजन का जरूरत नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ओवरहेड डालो डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी योर मटेरियल कैन बी योर लेबर कैन बी अदर एक्सपेंसिस मतलब क्या होता है मैन्युफेक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो जो मटेरियल लगता है उसका आप लिस्ट बना सकते हो वो लिस्ट को हम बोलते थे बिल ऑफ मटेरियल तो जो भी मटेरियल आप बिल ऑफ मटेरियल में लिख सकते हो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल मतलब आप नेक्सस एस्टेब्लिश कर सकते हो नेक्सस मतलब रिलेशनशिप टू प्रोड्यूस ऑफ गुड्स आई नीड टू के ऐसा रिलेशनशिप अगर मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट मटेरियल कहां पे मिलेगा बच्चों रिस्पॉन्स चाहिए मुझे बिल ऑफ मटेरियल में मिलेगा सो so, ये क्वांटिटी इसका अमाउंट जो रहता है ना वो भी सिग्निफिकेंट रहता है इन रिलेशन टू द टोटल कॉस्ट बहुत बार ऐसा होता है मटेरियल कैन बी लिंक्ड टू द फिनिश गुड्स बट हम उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं बिकॉज अमाउंट ऑफ दैट मटेरियल इज सो स्मॉल दैट यू डू नॉट वॉन्ट टू ट्रैक फॉर एग्जाम्पल कार के मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नट्स बोल्ट लग सकते हैं आप बोल सकते हैं एक कार को बनाने के लिए ये

आई होप तुम लोग नोटिंग करते जा रहे हो इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे सिर्फ बस तो हम स्पीड से कवर अप कर पाएंगे लेबर जो भी वर्कर्स शॉप फ्लोर पे है और जो एक्चुअल प्रोडक्शन में या असेंबली में या पैकेजिंग में इन्वॉल्व है उनको हम क्या बोलेंगे डिरेक्ट लेबर सो आई मस्ट बी एबल टू से वन यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ये पांच प्रोसेसेस चाहिए ये प्रोसेस वन पे 20 minutes लगेंगे, प्रोसेस टू पे थर्टी मिनट्स लगेगा प्रोसेस थ्री पे ऐसा टाइम लगेगा प्रोसेस वन पे ये ये वर्कर लगेंगे, प्रोसेस टू में ये वर्कर लगेंगे, थ्री में ये वर्कर लगेंगे, लगेंगे। में रिलेशनशिप लाइक क्या बोलेंगे डायरेक्ट लेबर तो उनकी वेज मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा बच्चों से मटेरियल टिपिकली क्या आता है material cost बोलो तो दिमाग में टिपिकली आता है परचेस प्राइस करेक्ट है बट नो द बेसिक प्रिंसिपल दैट आई देश वॉन्टर यू से पर्टिकुलर कॉस्ट मटेरियल लेबर और इट मस्ट बी ऑल 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 इंक्लूसिव कॉस्ट कॉस्ट क्या बोला मैंने मतलब मटेरियल का कॉस्ट निकालना तुमको डोंट जस्ट टेक अ मटेरियल परचेस प्राइस मटेरियल का प्राइस प्लस फ्रेट जो आएगा कस्टम ड्यूटी अगर कुछ है इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है वो टैक्सेस ले लो अनलोडिंग के चार्जेस ले लो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज नॉर्मल लॉस कुछ होने वाला है तो नॉर्मल लॉस की वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बाकी यूनिट्स पे आप स्प्रेड करो सो यू टेक अ ऑल इंक्लूसिव इफेक्टिव कॉस्ट फॉर द परपज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट आप उसको प्रेजेंट लाइन बाय लाइन अलग करो या सब कुछ मिला के एक साथ प्रेजेंट करो दैट चॉइस इज अप टू यू

इंक्लूड करके लेबर कॉस्ट ट्रीट करोगे कॉशिड चैप्टर के अंदर आपको कॉस्ट लिंक कैसे करना है वो नहीं सीखना है इसको अभी हमें फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैसे प्रेजेंट करना है तो ये मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस जो है ये है आपका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑन विच आई एम इंकरिंग और उनको हमें प्रेजेंट करना है एक्सपेंसेस में क्या आएगा बच्चों लेट्स से यू हैव टेकन सम टेक्नोलॉजी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में किसी और से आपने टेक्नोलॉजी ली है फॉर द दर्पज ऑफ कैरिंग आउट प्रोडक्शन रॉयल्टी आएगा उसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस को हम क्या बोलते हैं ओवर एड्स उसके अंदर भी देर कैन बी कॉस्ट को मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा या आप कॉस्ट को मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस लिख सकते हो और उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख सकते हो मैंने पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा और अंदर क्या लिखा मटेरियल लेबर ओवर एड एक्सपेंसिस तो यहां पर भी क्या आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं बच्चों करे क्या बोलते हैं इसको ओवर और उन ओवर को हम चार पांच अलग अलग एंगल से एनालाइज करते हैं कौन से चार पांच एंगल फैक्ट्री ओवर और हम उसको बोलते थे प्रोडक्शन ओवर एड्स याद करे और हम उसको बोलते थे वर्क ओवर एड फैक्ट्री ओवर एड प्रोडक्शन ओवर एड वर्क ओवर एड कुछ भी बोलो सबका मतलब वही है ठीक है दिज आर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन देन देर वॉज अडमीन ओवर एड और यह सबसे ट्रिकी है यह आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा एडमिन ओवर एक्चुअली दो टाइप के होते हैं सम एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड सम जनरल ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन अब अपने एग्जामिनर बहुत बार है ना क्लैरिटी के साथ लिखते ही नहीं है कि एडमिन ओवर कौन सा है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है या रिलेटिंग टू जनरल है आपको अजम्सन करके चलना पड़ेगा एग्जाम के अंदर सो एडमिन ओवर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड एडमिन ओवर रिलेटिंग टू जनरल फिर आपका आता है और ओवर एड्स आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर रहते हैं इंडिया में ज्यादा होता नहीं है बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी आप स्पेंड कर सकते ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडियन कंपनीज इंडियन कंपनीज का आर एंड पे जो स्पेंड होता है वो कंपेरेटिवली कम रहता है दूसरे किसी ने आर एन डी किया रिवर्स इंजीनियरिंग करके मैन्युफैक्चर कर लेते हैं सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर के आ गए तो ये सारे ओवर आ गए ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन का रूट हम कॉस्टशीट में लेने वाले हैं हम वेरिएबल फिक्स कॉस्टशीट में नहीं लेने वाले हैं इट्स जस्ट अ ट्रेडिशन नथिंग एल्स नो लॉजिक अब देखो फॉर्मेट देखो ये फॉर्मेट आपने बहुत बार किया होगा और फिर मैं इसके ऊपर स्पेशल आइटम सबसे करवाऊंगा तो कॉस्टशीट में हम पहले डायरेक्ट कॉस्ट लिखेंगे फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जो मटेरियल मैंने परचेस किया वो मेरी कॉस्ट नहीं है जो मटेरियल मैंने कंज्यूम किया अब ये मटेरियल कंज्यूम आता कहां से मैंने बोला था ऑलरेडी कि मैं बहुत सारे चैप्टर्स को लिंक करते रहूंगा आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा हुआ है ऐसे नहीं हो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो लिंकिंग करने का थोड़ा बहुत कैपेबिलिटी आप में है, है, है। ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिस इज नथिंग बट इशू कॉलम ऑफ वॉट स्टोर्स लेजर मटेरियल चैप्टर के अंदर आपने एक स्टोर्स लेजर करके चीज की थी उस स्टोर्स लेजर में आपने क्या किया था रिसीट्स इश्यूज बैलेंस तो मेरे फैक्ट्री के अंदर सप्लायर से जो मटेरियल आ गया वो रहेगा इधर स्टोर्स के अंदर वो स्टोर्स से मैं क्या कर लूंगा इश्यू कर लूंगा वो इश्यू जो है वो है मटेरियल कंज्यूम रिमेंबर वेन आई इश्यू द मटेरियल आई मस्ट नो फॉर विच फिनिश गुड्स आई हैव इश्यूड द मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल आप जबी भी इश्यू करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए ना कि ये मटेरियल कहां पर यूज होने वाला है तो जब भी आपको कोई फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करना है आप क्या करते हो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो रहता है वो एक ऑर्डर पंच करता है ऑर्डर पंच करता है वो बोलता है ऑर्डर नंबर सो एन सो कस्टमर से ऑर्डर आई होगी आपका इंटरनल ऑर्डर नंबर होगा नंबर 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 बोलो 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 जॉब वर्क या और कुछ भी बोलो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट एक नंबर पंच करेगा बोलता है नंबर वन थ्री नाइन फाइव ये वर्क ऑर्डर है फॉर फिनिश गुड्स एक्स वाई जेड सो एंड सो क्वांटिटी टू बी डिलीवर्ड बाय सो सो डेट और टू बी प्रोड्यूस सो डेट अब वो प्रोडक्शन ऑर्डर लेके शॉप फ्लोर वाला जो बंदा है वो किसके पास जाता है स्टोर्स के पास वो बोलता है कि मुझे प्रोडक्शन नंबर के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो के लिए बोलो जेड तो जेड फिनिश गुड्स के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है वो देखेगा क्या क्या क्वांटिटी में लगता है वो देखेगा ये कहां पर रहेगा बॉम्ब और फिर देखेगा अच्छा वन थ्री नाइन फाइव ऑर्डर नंबर इज फॉर सेवन हंड्रेड यूनिट ऑफ जेड फॉर सेवन हंड्रेड यूनिट ऑफ जेड वॉट ऑल रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड चेक करो और उसको वो इश्यू करेगा और लिंक करो क्या सारा का सारा मटेरियल अगर उसने इश्यू किया एक साथ तो प्रोसेस कॉस्टिंग में डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसका हंड्रेड परसेंट आता था

50 परसेंट दे दिया तुमने तो तो 50 यू जॉब नंबर याद करा तो मैंने चैप्टर से लिंके? दो नंबर वन प्रोसेस कॉस्टिंग नंबर टू और मटेरियल चैप्टर नंबर थ्री थर्ड चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हो टू वेज टू कैलकुलेट अ वेरियंस प्राइस का मटेरियल जब आप परचेस करते हो उसके हिसाब से वेरियंस निकाल सकते हो या मटेरियल जब आप कंज्यूम करते हो उसके हिसाब से वेरियंस निकाल सकते हो दोनों सही है एक गलत कुछ नहीं उसमें आपको दोनों आंसर लिखने चाहिए एग्जाम के अंदर सो so, ये यह, यहां पर मटेरियल कौन सा लिया मैंने कंज्यूम्ड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम क्वांटिटी नहीं आएगा यहां पर अमाउंट आएगा सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल

ये आ गया तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड एट टू दैट डायरेक्ट लेबर एड टू द डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेबर के अंदर भी हमने वेजेस बाकी के लीव हॉलीडे का जो लीव पे पेड लीव होता है पेड लीव का कॉस्ट हम बाकी आवर्स के ऊपर या बाकी डेज के ऊपर हम स्प्रेड करते हैं वो भी हमने सब कुछ कंसिडर कर लिया और हमारे पास आ गया प्राइम कॉस्ट अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये इज प्राइम कॉस्ट अ वेरिएबल कॉस्ट और अ फिक्स कॉस्ट प्राइम कॉस्ट अ वेरिएबल और फिक्स आंसर दैट इज जनरली वेरिएबल चंक ऑफ प्राइम कॉस्ट इज वेरिएशन जनरली वी अज्यूम प्राइम कॉस्ट इज वेरिएट से प्राइम कॉस्ट इज ऑलवेज अ वेरिएबल कॉस्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ इलिटरेट पर्सन आई नेवर सेड यह सबसे इंपॉर्टेंट है चीज कान खोल के सुनना बहुत सारे बच्चों को मालूम भी नहीं होगा एक कंसेप्ट होता है सर विन आई से डायरेक्ट कॉस्ट बच्चे के दिमाग में आता है वेरिएबल कॉस्ट मैंने बोला मैंने बोला डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है अ कॉस्ट विच कैन बी लिंक्ड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है अ कॉस्ट विच वेरीज विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मैंने कहां पे बोला डायरेक्ट कॉस्ट वेरीज विथ आउटपुट मैंने क्या बोला अ कॉस्ट विच कैन बी लिंक टू आउटपुट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट तो क्या ऐसा हो सकता है देर इज अ डायरेक्ट कॉस्ट इट इज नॉट वेरिएबल हा बोले हा एग्जाम्पल देता हूं तुमको डिपेंडिंग ऑन वॉट इज direct, ऑब्जेक्ट it विल बी डायरेक्ट बट इट will इट विल बी say, फॉर एग्जाम्पल आईकिया का एग्जाम्पल देता हूं आई किया हूं आई किया एक फर्नीचर मैन्युफैक्चर मेरे अलग अलग स्टोर है मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट स्टोर है माई कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट Product that I sell. My cost object is what? Store. क्यों? कहाँ पे लिखा है कि cost object productive होना चाहिए? क्या आप cost object को change कर सकते हो? क्यों? Depending on what I want to analyze or what decision I want to take, I will change my cost object. तो मेरा cost object क्या है? Furniture बेच रहा हूँ वो है क्या? Bed है क्या? Dining table है क्या? Day. Sofa है क्या? Day. मेरा Bangalore में जो store है, मेरा Hyderabad में जो store है, मेरा Mumbai में जो store है, वो store मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है ना वो स्टोर के लिए मैंने एक पांच लोगों का टीम बैठा कर रखा है इन चार्ज जो स्टोर का ओवरऑल ऑपरेशन देख रहे हैं वो पांच लोगों की जो सैलरी है वो क्या है डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट इफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज स्टोर इफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज स्टोर सैलरी ऑफ दोस इज वेरिएबल मेजोरिटी लोगों के दिमाग में क्या था डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट मैंने क्या एग्जाम्पल दिया तुमको ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है यह है डायरेक्ट कॉस्ट लेकिन फिक्स नेचर का इट डॉट वेरीवाइजन वीम डिरेक्ट कॉस्ट टू बी वेरिएबल वो अपना सी ए कोर्स का खासियत है बट कहना ही कि डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट इज रॉन्ग बिकॉज डिपेंडिंग ऑन अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट यू विल चेंज यूर डिसीजन क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं मेक अ कॉलम वेरिएबल और फिक्स तो ये कॉस्ट वेरिएबल है फिक्स आपको लिखना पड़ेगा तो कुछ नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे ऑल प्राइम कॉस्ट एलिमेंट्स आर वेरिएबल बट आई होप यू आर क्लियर कैन देयर बी इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज वेरिएबल यस डायरेक्ट मतलब वेरिएबल और इनडायरेक्ट मतलब फिक्स ये सिर्फ गदा ही कह सकता है जिसको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है क्या बोले गदी भी हो सकती है प्राइम <laughs> कॉस्ट आ गया प्राइम कॉस्ट एड वर्क ओवर एड पब्लिक फैक्ट्री ओवर एड्स अब ये ओवर एड अक्रूड लेने का है हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं कर रहे तुमने पेमेंट किया है और कुछ आउटसेंडिंग है आउटसेंडिंग अमाउंट भी यहां पे लेने का है सो ऑल योर वर्क ओवर हेड विल कम अप हियर ऑल योर इनडायरेक्ट कॉस्ट शैल बी प्रेजेंटेड देयर सो देर फॉर ग्रॉस वर्क कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड अब ये ग्रॉस वर्क कॉस्ट बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है क्या सिर्फ वर्क ओवर लिखते हैं इट इज प्राइम कॉस्ट प्लस वॉट वर्क ओवर एड इज कॉल्ड एज वॉट क्रॉस वर्क एट टू दैट ओपनिंग डब्ल्यू आईपी एट टू दैट वॉट ओपनिंग डब्ल्यू आईपी अब डब्ल्यू आईपी का वैल्यूएशन कहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर है डब्ल्यू आईपी के वैल्यूएशन के लिए आपको क्या लगता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन बट वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया इट इज नॉट सेम

कैसे आपको हर एक ल, ल, वर्कर को टाइम शीट मेंटेन करना पड़ेगा आप चेक करोगे ये जॉब नंबर वन थ्री नाइन फाइव पे अब तक कितने घंटे काम हुआ है डब्ल्यू आई पी इज वैल्यूड जॉब बाय जॉब हर एक जॉब को आप चेक करोगे अच्छा जॉब नंबर वन थ्री फाइव नाइन वन थ्री नाइन फाइव पेंडिंग है ओके इसके लिए मटेरियल पूरा इश्यू किया था या पार्शियल इश्यू किया था आप बोलते हैं पूरा इश्यू किया था सॉफ्टवेयर में आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए

अलोकेट करना है तो मैंने खोल के देखा वन थ्री नाइन फाइव ओके सब वर्कर्स मिला के अब तक चार सौ घंटे काम हो गया फिर मैं चेक करता हूं जो वन थ्री नाइन फाइव जॉब है उसके लिए कितना समय लगना चाहिए वो है टोटल लेट से नाइन हंड्रेड आवर्स सो यू आर वर्क फॉर फोर हंड्रेड आवर्स आउट ऑफ नाइन हंड्रेड फोर बाई नाइन इज अ डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर लेबर यू अंडरस्टैंड दैट And that is how we value wip same way overheads ka degree of completion is normally taken in relation to labor labor ka jitna degree of completion hota utna hi hum overheads ka leke hum bolte hai, chalo valuation karo wip ka so on a particular date jitne bhi jobs incomplete hai uska aap kya karoge valuation karoge valuation करके amount yaha पर आएगा, opening wip less closing wip therefore works cost during the period फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है अप, और एक कॉन्सेप्ट जो भी कॉस्ट आप इंकर करते हो वो दो टाइप में हम बाइफर कट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक इन्वेंट्री का जो भी वैल्यूएशन करना होता है इसलिए कॉस्ट के दो बच्चे होते हैं बोलो बच्चों कौन से बच्चे है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट हर एक कॉस्ट को आपको पूछना पड़ता है कॉस्ट हु आर यू आर यूर प्रोडक्ट कॉस्ट और आर यूर पीरियड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट को हम बोलते हैं इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट और ये पीरियड कॉस्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन दैल्युएशन ऑफ इन्वेंट्री बेसिकली इट इज इंक्लूडेड दिस इज एक्सक्लूडेड अब डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक दैट यू यूज व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज पीरियड कॉस्ट इज गॉन अ वेरी एप्सप्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है अलग अलग है अब बोल क्यों सर कौन सा सही है डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ना नॉर्मली आपको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो एप्सप्शन कॉस्टिंग इज मोर सुटेबल इसलिए मैं अब लिंक कर रहा हूं मैं पहले आपको दे आपके पास कैपेबिलिटी है एस टू जब आप यूज करते हो अकाउंट्स के अंदर ग्रुप वन तो इनवेंट्री वैल्यूएशन के लिए एप्सप्शन कॉस्टिंग वहां पर यूज किया एस टू के अंदर भी अंडर अपसॉप्शन ओवर अपसॉप्शन आता है सो so, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं तो आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे एप्सप्शन कॉस्टिंग ऑनलाइन पब्लिक आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं तो अ कॉस्ट विच विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या बोला मैंने उसको प्रोडक्ट कॉस्ट अ कॉस्ट विच इज एक्सक्लूडेड इज कॉल्ड एज अ पीरियड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है क्या अ कॉस्ट विच इज इंकर्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड अगेन इवन इफ द प्रोडक्ट इज कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट इयर वी कॉल इट एज प्रोडक्ट कॉस्ट सीए फाउंडेशन में कंसाइनमेंट नाम का एक चैप्टर था आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे नॉन रिकरिंग अ कॉस्ट विच विल नॉट बी इंकर्ड अगेन इन व्हाट सब्सिक्वेंट इंड

तक मैंने सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट की बात की है डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सारे क्या है प्रोडक्ट कॉस्ट है क्यों जो गुड्स मैंने प्रोड्यूस किए वो एक साल से दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड किए मैंने तो डायरेक्ट मटेरियल इंकर होता है क्या तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्ट कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है करंट पीरियड में जो रेवेन्यू मैंने बुक किया है उसके कंपैरिजन में ही मुझे कॉस्ट बुक करनी है आई शुड रिकॉर्ड द कॉस्ट विच इज इंकर्ड टू अर्न रेवेन्यू राइट तो मैंने प्रोड्यूस किए पचास हजार गुड्स सेल किए फोर्टी टू थाउजेंड तो आई शुड हैव अ कॉस्ट ऑफ ओनली बट खर्चा तो मैंने पचास हजार किया है तो आठ हजार का मुझे कॉस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कॉस्ट में क्या इंक्लूड करूं और क्या एक्सक्लूड करू वो कौन बोलता है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट आर यू क्लियर तो का वैल्यूएशन करके क्या है? बच्चों तुम्हारे पास फैक्ट्री कॉस्ट और फिर हम कुछ स्पेशल आइटम्स ले रहे जो प्रोडक्ट कॉस्ट ही है क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल अब क्वालिटी कंट्रोल आप ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो या पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होने के बाद तो आप छप्पा लगा सकते हो क्यूसी चेक

बहुत सारा आर का कॉस्ट जो होता है वो कैपिटलाइज किया जाता है बिकॉज इट बिकम्स अमोरटाइजेशन आता है अब इतना लेवल इनके पास नहीं है जिस बंदे ने लिखा है उसने इतना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की तो आप फॉर्मेट के हिसाब से आर एन डी आ गया तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट लेना है बट रिमेंबर सारा का सारा आर कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होता है बट मैं अभी ये इंस्टीट्यूट को नहीं बोल सकता हूं तुम्हारा आर डी जो होता है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वो जनरल आर डी करते रहते हैं कुछ आरएनडी सक्सेसफुल होता है कुछ आरएनडी अनसक्सेसफुल रहता है जो भी आर डी अनसक्सेसफुल है वो पीरियड कॉस्ट ट्रीट होता है ना कि प्रोडक्ट कॉस्ट तो अगर गलती से क्वेश्चन में एग्जामिनर इंटेलिजेंट बन गया और लिखा आरएनडी इनटू ब्रैकेट प्रोडक्ट स्पेसिफिक तो वो आप प्रोडक्ट कॉस्ट करके ले लो और जनरल जो आरएनडी आपका रिसर्च चल रहा है उससे सक्सेसफुल हो सकता है नहीं हो सकता है उसको आप क्या करो पी एंड एल में डेबिट करो पीरियड कॉस्ट करके इट विल कम अप बिलो पीरियड कॉस्ट नीचे है पीरियड कॉस्ट करके कर था ये चीज लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में अपने ही इंस्टीट्यूट ने ग्रुप 2 में है अकाउंट्स में ये चीज

लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज ऑफ लिक स्क्रैप ऑब्लिक लिक बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्यूफैक्चरिंग अगर स्क्रैप जनरेट हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट यह स्क्रैप तुम्हारा जान ले लेगा रियल लाइफ में एग्जाम में क्यों मैंने नीचे स्पेशल आइटम्स में स्क्रैप लिखा होना चाहिए कहीं कही ना कहीं तो ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप स्क्रैप दो चीज का हो सकता है मटेरियल का ही स्क्रैप हो सकता है या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग सेमी फिनिश गुड्स जो है उनका स्क्रैप हो सकता है अगर रॉ मटेरियल का ही स्क्रैप है मतलब अभी तक उसके ऊपर कुछ वर्कर ने काम करना शुरू नहीं किया प्रॉब्लम मटेरियल का स्क्रैप कैसे आ गया सर तो क्यों नहीं आ सकता भाई स्टोरेज में स्क्रैप नहीं जनरेट हो सकता है क्या हो सकता है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट अगर स्टोर्स में ही स्क्रैप जनरेट हुआ मटेरियल का स्क्रैप है तो क्या करो मटेरियल कंज्यूम में ही माइनस कर लो इट्स लाइक लॉस। सो मैंने मटेरियल परचेज किया था पचास लाख का उसमें से कुछ मटेरियल स्क्रैप हो गया तो जो स्क्रैप हो गया उसकी आप क्या करोगे? सेल ऑब्वियसली स्क्रैप की सेल वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इफ यू sell a scrap at a higher than cost, then why are you doing a business? Purchase material, make a scrap, sell it. Oh, आ yeah, No. तो so, मैंने मटेरियल पचास लाख का परचेज किया उसमें से कुछ मटेरियल स्क्रैप बन गया और स्क्रैप करके उसको सेल किया मटेरियल स्टेज पे तो आप क्या करोगे स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे कहां से मटेरियल कंज्यूम में से सो ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप में मैं क्या बोल रहा हूं इफ स्क्रैप इज ऑफ मटेरियल अभी क्वेश्चन में देना चाहिए स्क्रैप किस चीज का है स्क्रैप इज ऑफ मटेरियल देन डिडक्ट फ्रॉम बोलो डक्ट फ्रॉम मटीरियल कंज्यूमड मटेरियल कंज्यूम में ले लो इफ इट इज स्क्रैप ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स सेमी फिनिश्ड गुड्स फिर क्या करोगे बोलो बच्चो देन डिडक्ट फ्रॉम वॉट डक्ट फ्रॉम फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आप डिडक्ट कर सकते हो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा यह आपका डिफॉल्ट अजम्शन रहेगा क्वेश्चन सिर्फ बोलता है स्क्रैप स्टॉप क्या अजूम करोगे आप इट्स अ स्क्रैप ऑफ सेमी फिनिश गुड्स बट प्लीज नोट लिख के आना बिकॉज इन द पास आई है क्वेश्चन वेर इंस्टीट्यूट हैज डन वे फील राइट स्क्रैप हो सकता है हाँ बाय प्रोडक्ट लिखा तो ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट विल बी जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो वो तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट से ही माइनस करना है बच्चों अब लिंक कर रहा हूं करो क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाय चैप्टर या प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर याद करो इमेजिन करो प्रोसेस अकाउंट डेबिट साइड प्रोसेस के लिए मटेरियल लेबर प्रोसेस का ओवरहेड जो भी खर्चा था प्रोसेस के लिए रिलेटेड डेबिट कर लिया नॉर्मल लॉस डिट करते थे वॉट यू आर क्रेडिटिंग यू आर क्रेडिटिंग सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस दैट नॉर्मल लॉस नथिंग बट स्क्रैप दॉर्मल जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्क्रैप जनरेट हुआ वो आप क्या कर रहे हो लेस कर रहे हो लेस क्रेडिट फॉर रिकवरी स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट एड पैकेजिंग कॉस्ट विच इज प्राइमरी प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो पैकेजिंग लगता है वो प्राइमरी है सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स है वो अपना मैंगो जूस बेचता है तो मैंगो जूस तो आप ऐसे लोगों को टैप के थ्रू दे नहीं सकते टैप ओपन किया चलो जाओ पियो तो मैंगो जूस आपको बेचने के लिए प्लास्टिक का कंटेनर लगेगा बॉटल लगेगा तो वो प्लास्टिक के कंटेनर में आपने मैंगो जूस डाल दिया लोगों को बेचने के लिए लेकिन वो प्लास्टिक का कंटेनर में आप कैटरीना कैफ लगा देते हो मतलब उसका रैपर लगा देते हो वो जो रैपर है वो सेकेंडरी पैकिंग है या ये ऐसे प्लास्टिक के बोटल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप कोरुगेटेड बॉक्स रहता है एक मटेरियल रहता है तो कोरुगेटेड बॉक्स में या क्रेट रहता है प्लास्टिक का उसके अंदर आप इसका ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करते हो वो है सेकेंडरी पैकिंग प्राइमरी पैकिंग क्या है वो जूस आप बॉटल में डाल रहे थे उसको हमने क्या बोला बच्चों प्राइमरी पैकिंग और जो बॉटल बाकी का कैफ या बाकी जो भी मटेरियल है वो हम नीचे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे या मटेरियल करके ले लेंगे तो प्राइमरी पैकिंग आ गया ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द करंट पीरियड क्लियर आगे नहीं जाना अब आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कान खोल सुनना कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग चैप्टर तीनों के लिए रिलेवेंट ही है। ये मैंने उस टाइम पे शुरुआत में आपको नहीं बोला था लेकिन कॉस्ट लेजर अकाउंट के टाइम पे एक सौ टा बोला होगा लिसन टू दिस केयरफुली द दिच यू कंसीडर इन कॉस्ट शीट आर नॉट ओवर एड इंकर वट यू कंसीडर इन द कॉस्ट शीट अबाउ हियर एट दिस प्लेस इज ओवर एड एप्सॉफ ये पक्का बोला होगा मैंने उसमें आप क्या करते हो ओवर एड एपॉप लेते हो डि बोलेगा डिफरेंस हाँ डिफरेंस आएगा दिखाता हूं एक्सप्लेन करता हूं सो इमेजिन करिए लिखा है एक एग्जाम्पल दे रहा हूं लेट्स से मैंने ओवर हेड इंकर किए थे फैक्ट्री ओवर एड इंकर्ड शुरुआत में एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया था लेकिन फर्स्ट लेजर में एक्सप्लेन किया रहेगा फैक्ट्री ओवर एड इज रूपीज फिफ्टी सेवन फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी सेवन लैख तुमने इंकर किए बट टेल मी वेरी ओवर एड डू यू नो फॉर विच प्रोडक्ट है क्यों ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना वो लिंक नहीं कर सकते ना प्रोडक्ट के साथ वो अगर लिंक कर पाते थे तो है 57 हम no, हम इसको इसको नहीं करने वाले हम इसको consider करेंगे लेकिन एग्जैक्टली exactly मुझे फिफ्टी सेवन में से एक प्रोडक्ट के लिए कितना दूसरे के लिए कितना तीसरे के लिए कितना मालूम? तो इसके लिए हम क्या करते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे एप्सॉप्शन रेट्स डिसाइड करके रखते हैं तो कॉस्टिंग का जो चैप्टर था उसमें हमने क्या किया था एबसॉप्शन रेट डिसाइड कर लिया कि अगर एक प्रोडक्ट दो घंटे के लिए मशीन पे गया तो एक घंटे का कॉस्ट आएगा सत्तर रुपए मशीन आर रेट दो घंटे का कॉस्ट आएगा एक सौ चालीस तो ऐसे कितने टोटल आवर्स के लिए वो प्रोडक्ट गया मशीन पे तो उसके हिसाब से टोटल आवर्स इंटू एब्सॉप्शन रेट एक्चुअल आवर्स इनटू एब्सॉप्शन रेट मशीनर रेट हमने मशीन आर रेट हो सकता है लेबर आवर रेट हो सकता है यू वॉन्ट टू डू एप्सॉपशन यू कैन डू अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट ऐसे एप्सॉप्शन के लिए हमने अलग अलग मेथड्स डिसाइड किए थे absorption के बेस बोलते उसको कैन बी डन ऑन पर आवर बेसिस पर मशीन आवर पर लेबर आवर एप्सॉप्शन कैन बी परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट एप्शन का कुछ भी बेस आप डिसाइड कर लो है ना तो हम शुरुआत में का बेस डिसाइड करते हैं और एक्चुअल प्रोडक्शन होने के बाद देखो अभी टोटल इंकर किया जॉब नंबर वन नाइन थ्री फाइव वो जॉब के लिए मटेरियल कितना लगा मालूम है मेरे को वो जॉब के लिए डायरेक्ट लेबर कितना लगा मालूम है मेरे को क्यों मालूम है डायरेक्ट डायरेक्ट है ना अब कितना गया उस जॉब के लिए किसी का बाप को मालूम नहीं रहता तो फिर हम क्या करते हैं हम एबसॉब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं उस जॉब के लिए रिमेंबर देर इज गोइंग टू बी अ रिस्पेक्टिव जॉब अकाउंट एंड देर इज गोइंग टू बी अवर अकाउंट तो देखो ये क्या है ओवरहेड अकाउंट है

तो मटेरियल या लेबर या सारा खर्चा कितना खर्चा हुआ बच्चों बोलो 57 सेवन लैख का खर्चा हुआ है ओवर इनकर्ड इज ए डेबिट है ना अब मेरे पास क्या इदर? इदर है इधर इधर है जॉब नंबर वट अकाउंट जॉब नंबर डॉट डॉट जॉब नंबर वर्क ऑर्डर नंबर वर, नाम ने कुछ रखा नहीं है इस जॉब के लिए क्या क्या खर्चा हुआ मटेरियल का खर्चा हुआ मालूम है मुझे इस जॉब के लिए कुछ लेबर का खर्चा हुआ मालूम है मुझे इस जॉब के लिए कितना ओवरहेड हुआ मालूम तो हम क्या करते हैं ओवर को एपसॉप करते हैं क्या बेसिस पे एपसॉप करेंगे कुछ तो बेसिस होगा परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट या पर लेबर आवर पर मशीन आर कुछ भी बेसिस निकालो टू ओवर यहां पर ओवरहेड आएगा और ये ओवरहेड से यहां पे आएगा बाय जॉब नंबर तो ये जॉब नंबर यहां से यहां जाएगा ये जो होता है ना बच्चों इसको बोलते हैं ओवरहेड एड सो ओवरहेड अकाउंट को हम क्या क्रेडिट करते हैं ओवरहेड एड और वो कहां पे डेबिट होता है रिस्पेक्टिव जॉब को लेकिन ऐसे बहुत सारे जॉब्स रहेंगे इसलिए सिलेबस के अंदर रियल लाइफ में ऐसा ही होगा लेकिन सिलेबस के अंदर इंस्टेड ऑफ जॉब नंबर सो एंड सो अकाउंट हमने इसको बोला था डब्ल्यू अकाउंट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कॉस्ट लेजर अकाउंट चैप्टर के अंदर तो डब्ल्यू के अंदर ओवरहेड इंकर्ड नहीं आता है क्या आता है ओवरहेड अपसॉब मटेरियल कॉस्ट आ गया लेबर कॉस्ट आ गया ओवरहेड इंकर्ड नहीं आया ओवरहेड आया। आयाब्सॉब्ड ओवर मतलब क्या होता है कितना खर्चा होना चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट बच्चों ओवर एड ऑप्स का ही मतलब है? और standard standard या आप इसको क्या बोल सकते हो स्टैंडर्ड ओवर कॉस्ट इतना खर्चा होना चाहिए था। में कितना हुआ वो तो जॉब बाय जॉब कभी पता नहीं चलेगा एक्चुअल में जो हुआ वो फिफ्टी सेवन टोटल बेसिस पे पता है तो बच्चों ओवर अकाउंट का जो डेबिट है वो टोटल बेसिस पे आता है ओवरहेड अकाउंट का जो क्रेडिट है वो जॉब बाय जॉब आता है तो ओवरहेड अकाउंट में क्या रहेगा बैलेंसिंग फिगर रहेगा क्या रह सकता है डेबिट कैन बी बिगर या क्रेडिट कैन बी बिगर ऑब्वियसली एनीथिंग कैन हैपन ना ओवरहेड एड इज मोर देन द ओवरहेड ओवर लेट्स से ऐसे सारे जॉब्स मिला के पचास लाख के हो गए तो क्या बोलेंगे अंडर एप्सॉप्शन मतलब क्या अंडर एप्सॉप्शन का मतलब क्या है हमने खर्चा सत्तावन लाख का किया लेकिन कॉस्टिंग में जब प्रोडक्ट का कॉस्ट अपसॉप किया तब साला पचास लाख ही कंसिडर किया रे, रे कदो, अंडर को ही हम बोलते थे एडवर्स किधर से किधर घुमा रहे हो तुम कैपेबिलिटी है तुम्हारी आराम से तो मैं कहां से कहा गया से ओवरहेड में ओवरहेड से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में

तो इसका मतलब क्या हुआ अंडर एप्सॉप्शन है अंडर एबसॉप्शन मतलब कॉस्ट इंकर हुआ लेकिन एप्सॉब नहीं हुआ एप्सॉप नहीं हुआ तो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट को लिंक नहीं किया हमने सात का खर्चा तो हुआ तो फिर हम क्या करते है? इस अंडर एप्सॉप्शन के हम एनालिसिस करते थे वो एनालिसिस ओवरहेड चैप्टर में आप जो करते हो और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो करते हो वो दोनों अलग अलग है एंड एंगल ऑफ एनालिसिस इज डिफरेंट

अंडर इज नथिंग बट एडवर्स और उसका ही एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में गया तो उसमें ओवरहेड वॉल्यूम एक डेडली चीज था करेंगे थाड रेट वेरियंस और एक्सपेंडिचर वेरियंट ऐसा था तो ओवरहेड चैप्टर में जो एनालिसिस है वो अलग है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में एनालिसिस जो है वो अलग है यहां पर मुझे कॉस्टशीट में सिर्फ इतना ही चाहिए बच्चों वट वी कंसिडर इन कॉस्टशीट चैप्टर और कॉस्टशीट वी कंसिडर बोलो ओवर एड एपसॉप्ट अगर गलती से एग्जामिनर ने दे दिया वो देता है एग्जामिनर जब वो क्वेश्चनशीट कॉस्ट लेजर अकाउंट के थ्रू थुछ पूछता है तो फिर आप सर अंडर ऑब्लिक ओवर ऑब्सॉप्शन का करने का क्या उसका मेथड होता है अब सी एग्जाम्स में ये जो कॉस्टशीट वाले क्वेश्चन आते हैं मैंने कभी भी आईसीआई को मेथड देते हुए नहीं देखा कि सप्लीमेंटरी रेट यूज करो या तो कुछ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे अंडर ऑब्लिक ओवर ऑब्सऑप्शन कॉस्टिंग पी एंड एल को ट्रांसफर करेंगे हा तो मैं क्या लिख रहा हूं यू ए ऑब्लिक ओ ए अंडर ऑब्सऑप्शन ऑब्लिक विल बी ट्रांसफर टू बोलो कॉस्टिंग एल अभी कॉस्टिंग कॉस्टिंग मतलब कौस्टी कौस्टी ले रहे। में प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस लॉस दिखता है आएंगे ना मिनट रुक समझा तुमको ऊपर देखो हमने यहाँ पर क्या लिया? तो पचास लाख तो आएगा फिर बाकी का सात लाख किधर जाएगा नीचे जब आप सीओजीएस निकलते उसके बाद पीरियड कॉस्ट आते आप लिख सकते हो एड Under absorption. क्या लिख सकते हो अंडर अंडर मतलब वो कॉस्ट है लेकिन कंसिडर नहीं किया गया था लेस ओवर एब्सॉप्शन किसके बाद आएगा बच्चों ये सीओजीएस के बाद क्योंकि ये जो आइटम्स है ये है पीरियड कॉस्ट उस पीरियड का खर्चा है और ये जो ऊपर वाले सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सारे जो आइटम्स थे ना वो थे प्रोडक्ट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जितना भी चीज किया मैंने सारा का सारा चीज क्या लिया मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट ले लिया अरे समझा क्या पब्लिक दो तीन आइटम बाकी खत्म हो गया तो मतलब तो में क्या फिर स्पेशल आइटम्स कुछ एक्सप्लेन कर दो तो, कुछ कुछ उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन तो चलो वापस पढ़ लो एक बार डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम एड डायरेक्ट लेबर एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आ गया प्राइम कॉस्ट एड ओवर वर्क ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड कौन से लिए एपसॉब याद कहां डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेके हमने इसको वैल्यू किया लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी ठीक है वो बचा है वो अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ इट्स लाइक like, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट पे रहता है क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट पे रहता है गलत है ये आर एन डी प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी होता है और कुछ जनरल आर एनडी होता है रियल लाइफ में मेजर आर एन डी जो रहता है वो जनरल रहता है रियल लाइफ में मेजर आर एनडी का अमाउंट प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं रहता है बट ये अपने इंस्टीट्यूट का ये जो भी बंदा है वहां पे बोर्ड ऑफ स्टडी में बेटा भाई साहब प्रणाम प्लीज पढ़ना थोड़ा बहुत एडमिन प्रोडक्ट रिलेटिंग टू वट प्रोडक्शन एक्टिविटी लेस स्क्रैप हो गया एड पैकिंग कॉस्ट सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो देर फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या तैयार हो गया फिनिश गुड्स तैयार हो गया अब मैं वैल्यू करूंगा फिनिश गुड्स का एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड देर फॉर यू गेट अ सीओजीएस सबसे इंपॉर्टेंट दीओजीएस दैट यूल गेटअप हिस्ट शीट एंड सीओजीएस दैट यूल गेटअप इन पी एंड एल फाइनेंशियल अकाउंट में नॉट बी सेव अप्टिकनसिलिएशन याद कर एक चैप्टर था कॉस्ट लेजर अकाउंट उधर फाइन फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट एंड तो क्या बोलूंगा मैं प्रॉफिट

डिप्रीसिएशन के मेथड्स अलग हो सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपको कंपल्सरीली एस एल एम याब्ल्यूडीवी बाई डिफॉल्ट लिखा है एक्चुअली यू कैन फॉलो समथिंग परमिशन बट नॉर्मली एस एल एम या डब्ल्यूडीवी फॉलो किया जाता है किसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कॉस्टिंग के, के लिए मैं मशीन आवर रेट मेथड यूज कर सकता हूं आई कैन यूज सम अदर मेथड फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन है क्या नहीं तो रिकंसिलियेशन जरूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग स्टेटमेंट क्लियर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिटीएस बहुत बड़ा ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज देता है तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू वॉट सीओजीएस सीओजीएस में आपने क्या किया एडमिन ओवर जनरल नेचर के लिए मार्केटिंग ओवर एड्स लिए सेलिंग ओवर लिए अंडर ऑप्सऑप्शन एड किया ओवर ऑप्सऑप्शन रहेगा तो लेस करोगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट देर फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स मी आई टेकन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट नो लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ पे लिया? इंटरेस्ट नहीं लिया क्यों? नीचे करता पेशेंस देर कैन बी इनकम लेट्स ऑफ आपको डिविडेंड मिला वो आएगा शीट के अंदर नहीं शीट का ऑब्जेक्टिव क्या है टू शो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज व्हाई

पी एंड एल में बहुत सारे आइटम इनकम टैक्स पे किया तुमने किधर है आया क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस वो तो कॉस्ट है ही नहीं क्योंकि हम कस्टमर से रिकवर करते और गवर्नमेंट को पे करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस भी रिकवर फ्रॉम कस्टमर एंड पे टू गवर्नमेंट परचेस के टाइम पे हमने टैक्स पे किया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है लेकिन बोलो क्या अभी अगर तुमने कॉम्पेंसेशन स्कीम अवेल किया है कॉम्पेंसेशन है उसको नाम कॉम्पेंसेशन डीलर है तुम कंपोजिशन डीलर हो तुम कंपोजिशन डीलर हो यू हैव ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी इफ यू लर्न जीएसटी देयर इज समथिंग कॉल्ड द कंपोजिशन स्कीम इट इज सिंपलीफाइड स्कीम सो इंसर्ट ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स पेबल ऑन सेल्स लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट देयरफॉर नेट टैक्स पेएबल आपको क्या करना है आपका जो सेल वैल्यू है उसका कुछ परसेंटेज सर्विसेज के लिए अलग है गुड्स के लिए अलग है गुड्स के लिए कम है सर्विस के लिए ज्यादा है सर्विस के लिए है मेरे हिसाब से जितना मेरा नॉलेज है एंड huh? गुड्स के लिए 1 है और सर्विस के लिए सिक्स परसेंट है कंपोजिशन स्कीम इफ यू आर अ कंपोजिशन डीलर देन द जीएसटी इज योर कॉस्ट क्यू आप इनवॉइस में जीएसटी अलग से नहीं लिख सकते हो कंपोजिशन डीलर के लिए तो चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट GST paid for composition dealer will be cost. अब कहाँ पे दिखाओगे? Show it after cost of sales, uh, cost of COGS. Show it after COGS. तो so cost of sales में include करो उसको, लेकिन मतलब आप अब, अब मटेरियल के ऊपर है या फिनिश गुड्स के ऊपर किसको मालूम है वो ऐसा आप पे करते हो यू पे वन परसेंट और सिक्स परसेंट डिपेंडिंग ऑन द रेट गिवन इन द इनकम जीएसटी लॉ उसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है एक आरटीपी में क्वेश्चन आया हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन ऑल्सो विथ यू आंसर्स सम क्वेश्चन आपने क्या करना चाहिए आज लंच डिनर या जो भी जब भी आपको टाइम मिले आप जस्ट क्या करना ऑडिट करनी है और जो बच्चे सिर्फ ग्रुप वन लिख रहे हैं आप प्रॉपरली उनको सॉल्व करके या रफ बुक में भी आप एटलीस्ट सॉल्व करके देख सकते जो सिर्फ ग्रुप वन लिख रहे हैं जो बच्चे दोनों ग्रुप कर रहे हैं तुम ऑडिट करो क्योंकि तुम्हारा ऑडिट का भी सब्जेक्ट चालू है ना सो देर फोर कॉस्ट ऑफ सेल्स एड नेट प्रॉफिट और लॉस एट पर कॉस्टिंग देर फोर क्या दिखाया आपने सेल्स तो सारे के सारे आइटम आए क्या पी एन एल के, के यहां पर नहीं कुछ आइटम्स नहीं आए इसलिए क्या किया रिकनसिलेशन अब कुछ स्पेशल आइटम्स एबनॉर्मल कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट हम उनको डायरेक्ट में लाइक फाइंस लगाया तुमको पेनल्टी लगाया मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया एक्सक्लूडेड फाइन पेनल्टी डैमेजेस वगैरह कुछ पे किया तो देर ट्रीटेड लाइक एबनॉर्मल कॉस्ट एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंस इट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी

उंट कॉन्ट्रेक्ट कॉस्टिंग करके चैप्टर है, है सिलेबस में वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है आईसीए वाला कोई अगर सुन रहा है नमस्ते भाई साहब अपना खुद का ए सेवन देखना और फिर चेक करना तुमने जो यहां पे लिखा है वो कॉस्टिंग नहीं है अकाउंटिंग है वो भी गलत सो so, वो चैप्टर कॉस्टिंग उसमें एबीसीडी भी नहीं है कॉस्टिंग का वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है सो अब नॉर्मल कॉस्ट हमने एक्सक्लूड किया पेनल्टीज वगैरह हमने एक्सक्लूड कर लिया अब सबसे बढ़िया लॉजिक किसी बुक में नहीं मिलेगा इजीली आपको इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट को मैंने एक्सक्लूड क्यों किया कॉस्ट शीट में लिखा कि मैंने इंटरेस्ट को फाइनेंस कॉस्ट को लिखा गया इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट जो भी डेट का कॉस्ट लिखा गया क्यों एक्सक्लूड किया सुनो लेट्स से देयर इज एचएल विच हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड व्हिच मेक्स लेट्स से शैंपू और सोप्स राइट देयर इज पतंजलि आल्सो रामदेव बाबा जी मतलब बाबा जी का भी शैम्पू सोप वगैरह आते कि ना पतंजलि के ठीक है अज्यूम कर लो एच -well में डेट जीरो है और ओन फंड्स है पंद्रह हजार तो जो टोटल कैपिटल एच ने रेज किया है वो है पंद्रह हजार पतंजलि हैज अ डेट ऑफ थ्री थाउजेंड एंड इक्विटी ऑफ लेट से फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इट्स ऑफ पतंजलि इज लेसर ऑफ पतंजलि वॉट डेट और एचुअल ओके मैं आपको और सिंपल करने के लिए पतंजलि की जगह पे एचुअल इंटू ब्रैकेट सिचुएशन टू एचुअल इंटू ब्रैकेट सिचुएशन वन और और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं तीन और बारह करता हूं पंद्रह हजार वट आर यू ऑब्जर्विंग एचुअल ऑप्शन वन ऑप्शन टू टोटल कैपिटल इज बट द कैपिटल स्ट्रक्चर हैड कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ प्रोपोर्शन इन विच यू रेज द दंड प्रोपोर्शन अलग अलग हो गया एचुएल ऑप्शन वन में क्या किया था सिर्फ इक्विटी से पैसा ले रहा था ऑप्शन टू में एचुएल ने पैसा कहां से लिया एच एल ऑप्शन वन में हम क्या बोलते हैं अनलिवर्ड कंपनी बोलते हैं और इसको हम फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं लिवर्ड कंपनी जस्ट जनरल नॉलेज अब मुझे बोलो मुझे बोलो ऑप्शन वन हो या ऑप्शन टू हो वाई द हेल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड चेंज आई एम नॉट सेइंग नेट प्रॉफिट आई एम सेइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन

आपके नंबर आप कंपेरिजन नहीं कर पाओगे इन अ पर्टिकुलर ईयर यू वेड अनलिवर्ड इन द दब्सिक्वेंट ईयर यू बिकेम लिवर्ड बिकॉज यू टूक अ डेट आपने डेट रेज किया तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होना चाहिए इसलिए हम इंटरेस्ट एंड फाइनेंस को क्या करते हैं एक्सक्लूड करते हैं जनरली स्पीकिंग तो फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकंड हो गया सब्सिडी और ग्रांट अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ सब्सिडी मिल गया मशीन के अगेंस्ट या मटेरियल के अगेंस्ट क्या करोगे आप डिडक्ट सो फॉर एक्साम्पल आप कुछ वैक्सीन बना रहे वैक्सीन बनाने के लिए आपको मटेरियल लगता है गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया तो आपको क्वेश्चन में आ गया सब्सिडी तो क्या करोगे आप माइनस करोगे ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट प्रिंसिपल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैंने वाइल राइटिंग द कॉस्ट इन कॉस्ट शीट डोंट टेक जस्ट द परचेस प्राइस टेक वॉट लैंडेड कॉस्ट फॉर वॉट मटेरियल लेबर के लिए हम क्या करते थे Don't just take a wages. Wages plus retirement benefits, plus paid leave, plus gratuity, employee state insurance, provident fund. Take effective cost. Effective cost of labour. Effective cost of labour. Labor. labor. Okay? Treatment of scrap, I Nothing is given. We will assume scrap is of semi-finished goods. वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैन बी वैल्यूड इधर एज पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज कॉस्ट अगर फीफो मेथड यूज कर रहे हैं आप तो क्या होगा मालूम है मैं ले लूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इयर टर वट एवर इंटू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों पढ़ने के लिए तो यू कैन वैल्यू इन्वेंट्री मैंने क्या किया बच्चों न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया अगर मैं वेटेड एवरेज यूज करने वाला हूं ना तो मैं क्या करूंगा मालूम है न्यूमरेटर विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑब्वियसली करंट पीरियड प्लस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी बच्चों डिड यू ऑब्जर्व मैंने क्या क्या मिक्सिंग किया इनटू ये दिख रहा है कि तुमको मालूम नहीं इनटू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी तो फर्क कहाँ पर है हम वेटेड एवरेज बोला तो यूर टू टेक अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक अगर आपको याद होगा इस चीज को हम बोलते थे कॉस्ट 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 ऑफ 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 गुड्स गुड्स अवेलेबल अवेलेबल फॉर फॉर सेल सेल ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज अ सो क्वेश्चन क्वेश्चन में में प्लीज मेथड मेथड पढ़ना एग्जामिनर क्या दे 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 रहा 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 है 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 या वेटेड एवरेज पढ़ने का और बोलो क्या करेंगे इसको लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन ढूंढना पड़ेगा एलिमेंट बाय एलिमेंट डिग्री ऑफ कंप्लीशन बच्चों कभी भी ऐसा टोटल बेसिस पे नहीं रहता है मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग रहता है लेबर का अलग रहता है ये आ गया तुम्हारा रिकनसिलेशन का पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया तुमको ठीक है ऑप्शन ऑफ ओवरहेड एक्सप्लेन किया कौन से ओवरेड के अंदर ओवरहेड अंडर ऑब्लिक ओवर कहां पे लोगे आप नीचे अलग से लोगे पैकिंग कॉस्ट बोलो प्राइमरी पैकिंग है तो क्या बोलेंगे प्रोडक्ट तो कॉस्ट और सेकेंडरी पैकिंग है तो सेकेंडरी पैकिंग तो? को हम बोलेंगे पीरियड कॉस्ट ठीक है कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या रहता है कभी कभी आता है लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इसको ही हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट आई डिड नॉट से टोटल ओवर एड्स लेबर प्लस फैक्ट्री ओवर एड इज इक्वल टू विच कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे बहुत बार लगता है ये मटेरियल नहीं आएगा उसको या डिग्री ऑफ कंप्लीशन बहुत बार कन्वर्जन कॉस्ट का ही देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और कैन बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ सेल्स टेज हम उसको बोलते हैं मार्जिन और वेन इट इज एक्सप्रेसेंटेज ऑफ कॉस्ट हम उसको क्या बोलते हैं पढ़ने का मार्कअप है या मार्जिन है मार्जिन परसेंटेज ऑफ सेल्स रहता है मार्कअप परसेंटेज ऑफ कॉस्ट रहता है सबसे इंपॉर्टेंट खतरनाक बजट चैप्टर में बहुत काम में आएगा ये वॉल्यूम चेंज एंड प्राइस लेवल चेंज ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ना के रहता है लास्ट ईयर आई प्रोड्यूस टेन थाउजेंड यूनिट करंट ईयर आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट वॉल्यूम चेंज ट्वेंटी परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है दस हजार के जगह पे हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं बारह हजार प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम वॉल्यूम चेंज और प्राइस लेवल चेंज मतलब एक यूनिट के लिए पहले हम अस्सी रुपया पे कर रहे थे अब एक यूनिट के लिए एटी थ्री रूपीज पे में हमेशा पढ़ो प्राइस okay, क्वांटिटी अभी अभी में भी चेंज होता है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के अंदर और प्राइस ऑफ द मटेरियल और प्राइस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स उसके अंदर भी चेंज होता है तो आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया है डज इट गिव यू चेंज इन क्वांटिटी और डज इट गिव यू चेंज इन प्राइस और आर दे गिविंग यू बोथ याद अगे सो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आई प्रोड्यूस टेन थाउजेंड यूनिट एक देखो मैं बोलता हूं टू थाउजेंड ट्वेंटी डैश ट्वेंटी वन मटेरियल कॉस्ट वॉज एटी लैक्स ठीक है एंड आई से एफ जी प्रोड्यूस्ड जी क्वान्टिटी वॉज टेन थाउजेंड आई से ड्यूरिंग द नेक्स्ट इयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट मटेरियल गो अपनी प्राइस ऑफ मटेरियल गो अपन परसेंट वॉट एवर तो आप क्या करोगे ट्वेंटी वन डैश ट्वेंटी टू क्वान्टिटी प्रोड्यूसो बाई ट्वेंटी परसेंट दस के जगह पर आप क्या करोगे 12000 और बच्चा क्या करता है इधर डायरेक्टली 80 लाख में 7% ऐड करता है अरे कदे ऐसा नहीं होगा तो पहले तेरे को क्या करना पड़ेगा पर यूनिट कॉस्ट लास्ट ईयर का ढूंढना पड़ेगा पर यूनिट कॉस्ट लास्ट ईयर का 800 था वो 800 का इन्फ्लेशन की वजह से 7% से बढ़ेगा 800 7% 856 तो so आपका टोटल कॉस्ट कितना आएगा 12000 856 ए, वन करोड़, वन करोड़ टू तो इसमें से कुछ क्या है प्राइस लेवल चेंज है इनपुट कॉस्ट आपका 800 से आठ हो गया और कुछ वॉल्यूम लेवल चेंज है क्वेश्चन में वो ठीक से पढ़ने का कॉस्ट इज ए नेट इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड अप कॉस्ट दोनों अलग होता है कॉस्ट शीट के अंदर बहुत सारे क्वास्टशीट में आई से स्टेप अप कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच हैज अ फिक्स एलिमेंट एज वेल एज वेरिएबल एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सेमी वेरिएबल स्टेप अप कॉस्ट मतलब क्या होता है देखो ये ऐसा ये अगर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट है ऐसा डायग्राम अगर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्टेप अप कॉस्ट अपना आईसी स्टेप अप कॉस्ट को ही वेरिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलता है बोलता है एंड व्हाट इज योर ग्राफ ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल लुक समथिंग लाइक दिस दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट और ये होता है स्टेप अप कॉस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आए इसके ऊपर जहां पर इंस्टीट्यूट सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्टेप अप कॉस्ट बोलता है तो बोलता है कि फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कॉस्ट विल रिमेन टू बी सो एंड सो तो रहता एक्चुअली स्टेप अप है बट उसको बोलते क्या है सेमी वेरिएबल ठीक है सच ये सेमी वेरिएबल को हम बाइफरकेट करते हैं इसको बाइफरकेट करने के लिए सच में रिग्रेशन इक्वेशन यूज करना चाहिए बट सी ए कोर्स में हम ऐसा नहीं करते तो ये सेमी वेरिएबल को हम बाइफरकेट कैसे करते थे बच्चों याद है क्या हाई लो मेथड हाई लो मेथड मतलब हम क्या बोलते थे वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू बोलो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या दिखा था हमने चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू बोलो चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऐसा हम करते थे ठीक है दैट्स इट अबाउट विच चैप्टर कॉस्ट शीट नाउ लेसन अप व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू जस्ट अ सेकंड अब मैंने ये हो गया कंसेप्ट हो गया अब एक, एक सेकंड आने दो इधर लुक एट दिस अब मैंने क्या किया यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स के साथ दिए आपको गो थ्रू करना है ऑब्वियसली वी कैन नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन तो ये सिर्फ आप डिसाइड करना है तो ये एलिमेंट्स हैं, आपको कॉस्टशीट बनाने को बोला है बस इसमें ये आरटीपी के क्वेश्चन है मैंने क्लासिफाई किया कुछ है कुछ आरटीपी के क्वेश्चन है सॉल्यूशन नीचे है आईसीए का जो सॉल्यूशन है वो है क्वेश्चन टू है और क्वेश्चन थ्री है बस तो आरटीपी के तीन क्वेश्चन रहेंगे इसमें ये जीएसटी आया हुआ है जीएसटी पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम ये 2021 के आरटीपी में अपने बिलवर्ड इंस्टीट्यूट ने पूछा है और उसका जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है वो देख के मेरे को हाँ, क्या 10 लाख

GST paid under composition is not on material, it is on sales. Purchase. Okay, you know, ye bhi nahi likha ki GST paid under composition at the time of purchase or what? Likha nahi. So, you know, institute ne impliedly assume ki hai GST paid under composition at time of purchase. Ye likha nahi hai, lekin answer dekhke mere ko samjha. अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा ब्लैंक लाइन आया जीएसटी पेटेंट कंपोजिशन मटेरियल के अंदर ठोक दो आ, लेकिन अगर मेरे जैसा थोड़ा सीखा हुआ आदमी वहां पे लिखता है जीएसटी कंपोजिशन ऑन सेल्स तो क्या करो सीओजीएस के बाद उसको दिखाओ तो ये क्वेश्चन है आप क्या कर सकते हो गो थ्रू कर सकते हो फिर मुझे पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं जो लगते हैं वो क्वेश्चन यहां पर है दो तीन क्वेश्चन और उनके आंसर्स है ये हमने क्लास में किए हुए हैं अगर आप है तो और ये आंसर्स जो बच्चा एकतों में नहीं है मैं एकतम तो का टेलीग्राम ग्रुप है कुछ तो एकतम तो एकेडमी तो एक तो करके वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा रहेगा उस टेलीग्राम ग्रुप पे ये दोनों फाइल्स अभी जो हाथ से लिखा हुआ वो फाइल प्लस ये फाइल ये मैं शेयर करता हूं और ये नोट्स के जो क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए तो आपने जिनके पास नोट्स है वो गो थ्रू कर सकते हो जिनके पास नहीं है आप ऊपर के क्वेश्चन भी गो थ्रू कर लिए और आप जहां पे सीखे हो वो क्वेश्चन कर लिए तो भी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया सो लाइक दिस वी विल रिवाइज वॉट कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम अगर सॉल्विंग किया ना तो पूरा चैप्टर कवरेज कभी भी नहीं हो सकता अभी अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व किया तो कितने हो गए थे दो या मैक्सिमम

तो गली में नहीं ऑडिट करने का गली का ऑडिट नहीं करने गए आई होप यू अंडरस्टूड राइट टूमारो विल टेक अप सम चैप्टर विच वन यू वॉन्ट मार्जिनल स्टैंडर्ड ऑफ डायरेक्ट चलेगा ये तुमको बीच वाले प्रोसेस ए, हम सब करेंगे बीच वाले पहले कर ले दो ठीक है कोई तो बीच वाला कर लेंगे मार्जिनल सैंडर्ड पे भी आएंगे थैंक यू So Okay bye bye